देखो टेस प्रॉब्लम में 3 to the power x को आप t पुट कर दीजिए तो हो जाएगा t²-10t+9=0, तो हो जाएगा t-9 × t-1=0, तो t आएगा 9 आएगा या फिर 1। तो यदि 3 to the power x होगा 3 का स्क्वायर या 3 की पावर 0, तो x आ जाएगा 2 होगा या फिर 0, तो बी ऑप्शन।